स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जप नेटिंग पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेके आई हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और बनाने में ये इससे भी ज़्यादा इजी है। हमारा ये डिज़ाइन 7 के मल्टीपल प्लस 2 फंदों से तैयार होगा। चलिए डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको मेरे हर न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। चलिए डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको डिज़ाइन बताने के लिए यहाँ पर 7 के मल्टीपल से 28 प्लस 2 फंदे लिए हैं। इट मीन्स मैंने यहाँ पर 30 फंदे लिए हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, मैंने बॉर्डर तैयार किया हुआ है। आप जैसे चाहें वैसे बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट रो में हम पहले 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब धागा आगे रख के ही हम आगे के 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। सिलाई हमें कुछ इस तरीके से डालनी है। ऐसा करने से आपके पास एक जाली तैयार हो जाएगी। अब अगला एक फंदा हम सीधा डालेंगे। सीधी तरफ से अगले 2 फंदों का हम एक फंदा बना लेंगे। अब धागा पीछे रख के ही हम आगे का एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ऐसे करने से हमारे पास एक जाली डल जाएगी। अब आगे का एक फंदा हमें उल्टा बुनना है। अब धागा आगे रख के ही हमें आगे के 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। आप याद रखें, हमें सिलाई ऐसा करने से हमारे पास एक जाली डल गई है। अगला एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और आगे के 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। हमें इसमें धागा आगे नहीं करना। अब धागा पीछे रख के ही आगे का एक और फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। आगे का एक फंदा उल्टा। अब धागा आगे रख के ही आगे के 2 फंदों का हमें एक फंदा बनाना है। एक सीधा और अब आगे के 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। अब धागा पीछे रख के ही हम आगे का एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ऐसा करने से हमारे पास एक जाली डल जाएगी। अब आगे का फंदा उल्टा। अब धागा आगे रख के ही आगे के 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। आप सिलाई डालते समय ध्यान रखें। अब आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे और अगले 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। अब धागा पीछे रख के ही हम आगे का एक फंदा उल्टा बुनेंगे
और हमारा जो लास्ट फंदा रह गया है हम उसे भी उल्टा ही बुनेंगे। आप ये देख सकते हैं मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड रो में हम जो हमने लास्ट टाइम दो फंदे उल्टे बुने थे अब इन दो फंदों को हम सीधा बुनेंगे। और अब जो हमारे पास ये जाली वाला फंदा है इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब हमें आगे के चार फंदे उल्टे बुनने हैं। जाली वाला फंदा भी हमें उल्टा ही बुनना है। आगे के दो फंदे हम सीधे बुनेंगे। पांच उल्टे आप ये देख सकते हैं मैंने पांच फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब दो फंदे सीधे पांच उल्टे दो सीधे पांच उल्टे और लास्ट वाले दो फंदे हम सीधे ही बुनेंगे। ऐसे हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड रो में हम पहले दो फंदे उल्टे बुनेंगे। एक सीधा। अब धागा आगे की तरफ करके आगे के तीन फंदों का एक फंदा बनाना है। हमने फर्स्ट रो में दो फंदों का एक फंदा बनाया था पर इस रो में हमें तीन फंदों का एक फंदा बनाना है। ऐसा करने से हमारे पास जाली डल जाएगी। अब धागा आगे करके एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। दो उल्टे एक सीधा आपको इस रो में ये याद रखना है कि इस रो में हम जाली वाला फंदा बुन रहे हैं हमें इसे छोड़ना नहीं है उसे बुनना है। अब धागा आगे की तरफ करके आगे के तीन फंदों का एक फंदा बनाना है। अब एक फंदा सीधा हमें ये फंदा धागा आगे करके सीधा बुनना है। ऐसा करने से आपके पास एक जाली पड़ेगी।
आगे के दो फंदे उल्टे, एक सीधा, अब धागा आगे करके आगे के तीन फंदों का एक फंदा बनाना है। अब धागा आगे करके आगे का एक फंदा सीधा, आगे के दो फंदे उल्टे, एक सीधा, अब धागा आगे करके अगले तीन फंदों का एक फंदा बना लेंगे। अब धागा आगे करके आगे का एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और जो अब हमारे पास लास्ट में ये दो फंदे बच गए हैं हम इन्हें सीधा बुन लेंगे, उल्टा बुन लेंगे। सॉरी, अब फोर्थ रो में हम पहले दो फंदे सीधे बुनेंगे, पांच उल्टे, दो सीधे, पांच उल्टे, दो सीधे, पांच उल्टे, दो सीधे, पांच उल्टे, दो सीधे। मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब फिफ्थ रो पूरी की पूरी हम सीधी डालेंगे। अब उल्टी रो भी हम उल्टी ही डालेंगे।
आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो ये डिज़ाइन है बनके तैयार हो गया है। यही सेम प्रोसेस रिपीट करते करते ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से तैयार होगा। आप ये देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रहा है बनने के बाद। बेसिकली हमारा जो ये डिज़ाइन है ये सिर्फ 6 रोज़ का है, तो ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा बनके तैयार होने में। आप ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट लिखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।